ईडी के रिमांड पर जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए हैं तब से आप और बीजेपी के बीच जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी जहां केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ऐलान कर रही है कि केजरीवाल जेल से ही दिल्ली सरकार चला सकते हैं। इस दावे ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक चिट्ठी से दावा किया कि सीएम केजरीवाल ने जेल से दिल्ली में पानी सप्लाई को लेकर एक सीधा आदेश उन्हें दिया है। इस दावे के बाद से दिल्ली की सियासत में कोहराम मचना शुरू हो गया है। का बेटा लोहे का बना है। सौ करोड़ के शराब घोटाले ने दिल्ली सरकार को उस दौर में पहुंचा दिया है जहां आपके केजरीवाल ईडी की कस्टडी में जेल से सरकार चलाने को मजबूर हो गए हैं। आप इन तीन तस्वीरों से समझिए इस वक्त दिल्ली में चल क्या रहा है। पहली तस्वीर में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी दावा कर रही हैं कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में होली के मौके पर पानी की सप्लाई सही तरह से बनी रही से लेकर केजरीवाल ने जेल से पहला आदेश उन्हें दिया है। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है जो इस वक्त ईडी की रिमांड पर हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। 28 मार्च तक केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे, जबकि तीसरी तस्वीर में बीजेपी के नेता जेल से सरकार चलाने का दावा करने वाले आप नेताओं पर भड़क रहे हैं और इसे दिल्ली सरकार की ड्रामेबाजी बता रहे हैं। 100 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में जबरदस्त गदर मचा हुआ है। बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो वहीं आप केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर केंद्र सरकार की तानाशाही बता रही है। आप ये भी जान लीजिए कि क्या वाकई में जेल से सरकार चलाना केजरीवाल के लिए आसान रहेगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे पेच हैं जो वाकई केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। इसलिए बीजेपी बार बार कह रही है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ईडी अलायंस नहीं, मैं इनको कहूंगा ईडी अलायंस। ईडी अलायंस नहीं, मैं इनको कहूंगा सीबीआई अलायंस। मैं कहूंगा करप्शन के लोग जो जेल पर हैं, जो बेल पर हैं, उनका अलायंस। एक बात बहुत स्पष्ट है, ईडी अलायंस का पर्पस ये था, मैं बार बार कहता था जेल और बेल से बचना, आज स्पष्ट हो गया। इसी ईडी अलायंस की कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कंप्लेंट करके कहा था इन पे कार्रवाई करो। आज जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। के अंदर एक तरफ तो मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। रात में मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई, जो भी विधायक चुने हुए विधायक पहुंचे उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है? अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा। सवाल है क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला सकता है? अगर कोई सीएम जेल में बंद हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकता है? क्या वो कैबिनेट की बैठक ले सकता है? और क्या वो अपने मंत्रियों से जेल में मुलाकात कर सकता है? शर्मनाक कृत्य करके जो जेल गया है वो जेल से सरकार चला रहा है। ये देश की जनता को दिख गया अरविंद केजरीवाल जी का असली चेहरा, उनकी भ्रष्ट सोच, और केवल पैसा कमाने वो राजनीति में आए थे, अपनी जेब भरने आए थे। जब एनजीओ चला के जेबें भर के दिल नहीं भरा तो भ्रष्टाचार करके एक के बाद स्वास्थ्य मंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री सब जेल में है, सांसद से लेके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जिसके जेल में हो वो कैसी सरकार चलाते होंगे। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। अब भारत नहीं, पूरे विश्व में एक एक देश, एक एक आदमी जान गया है कि भारत की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को
निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। विपक्ष जो जनता की आवाज उठाता था, जनता के सवाल उठाता था, उसको रोका जाएगा। जेल में बंद एक सीएम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हर किसी के मन में घूम रहा है। तो चलिए देश के संविधान में और कानून की किताब में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, ये जेल के नियमों से लेकर जेल प्रशासन की इजाजत पर निर्भर करता है। क्या सीएम केजरीवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं, ये पूरी तरह से जेल प्रशासन की मंजूरी पर निर्भर करता है। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी के सीएम केजरीवाल कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और जेल से ही सरकार चलाने की मंशा रखते हैं, तो इसमें जेल प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। डेफिनेटली कोई फर्स्ट, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। आपके सामने झारखंड के हुए हैं, पहले भी हुआ है, लेकिन लालू जी हुए हैं। लेकिन गिरफ्तारी होना, अगर किसी के खिलाफ ऑफेंस है, कोई अबाबती लॉ तो है नहीं। चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, आपके सामने इंदिरा जी हुई हैं, नरसिम्हा राव जी पर केस चले हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आपके नेता दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल पूरी तरह से जेल से सरकार चलाने को तैयार हैं। यही वजह है कि जब दिल्ली सरकार में मंत्री यात्री ने केजरीवाल के ऑर्डर वाले पत्र को पढ़कर मीडिया के सामने सुनाया, तो सवाल उठने लगे कि क्या केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाना शुरू कर दिया है। क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री यात्री के मुताबिक केजरीवाल ने होली के मद्देनजर दिल्ली में पानी की सप्लाई की कोई कमी न रहे, इसे लेकर जेल से अपना पहला ऑर्डर मंत्री यात्री को दिया है। जरा देखिए केजरीवाल के पहले ऑर्डर में क्या लिखा है। मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं, जहां पानी की कमी है वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए, ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी मदद जरूर करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए, ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को इल्लीगल तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर को हाईजैक किया हुआ है। जिस अफसर को अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने साथ लगा रखा हो और उसकी इजाजत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दी हो, केवल और केवल उसी को अधिकार है चिट्ठी इश्यू करने का। वह भी तब जब मुख्यमंत्री जी उनसे कम्युनिकेट करके कहें कि मेरे भाव पे चिट्ठी इश्यू करो। लेकिन आप देखिए, किसी अफसर का नाम नहीं है, किसने इश्यू दफ्तर के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के कहने पे, किसने चीफ मिनिस्टर कहने पे ऑफिस पे ये चिट्ठी जारी की, उसका नाम पता नहीं है। ये बिना ऑफिस ऑर्डर जो है, बिना किसी नंबर के है। अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल को एहसास हो गया है कि वो जेल में लंबे वक्त तक रह सकते हैं, या फिर लोकसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल जेल से जनता के बीच सहानुभूति हासिल करने की कोशिश में हैं। क्योंकि आप नेता जेल में बंद केजरीवाल के पक्ष में माहौल बनाने लगे हैं। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ड्रामेबाजी पर उतर आई है और इसीलिए अब 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया जा रहा है। आपके दावे के मुताबिक इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली करने जा रही है। आपके इस ऐलान के बाद से बीजेपी इंडिया गठबंधन पर हमलावर हो गई है। आपका कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए ये रैली होने जा रही है। स्वयं अरविंद केजरीवाल के
घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, वो प्रमाण के साथ कॉल रिकॉर्ड व्हाट्सएप मैसेज उनकी अपनी उपस्थिति देने के लिए अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति हमने कभी नहीं सोचा कि संविधान की कसम खाने वाला बच्चों की कसम को छोड़ के संविधान की शपथ लेने वाला सरकार का मुखिया हिरासत में हो। दिल्ली ने ये कलम कभी ना अपेक्षित किया न कभी सोचा और आज दिल्ली की जनता इसे देखने को मजबूर है। सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से एक रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। केजरीवाल पर मचे गदर के बीच ईडी सीएम केजरीवाल और बीआरएस के कविता से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं वो तो यही संकेत दे रही हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस के नेता की एक कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। ईडी ने की कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि केजरीवाल को शराब नीति केस में 21 मार्च को अरेस्ट किया गया। ईडी के मुताबिक मोबाइल का डेटा डिलीट किया गया है ताकि शराब घोटाले से जुड़े कुछ सबूतों का पता न चले। इसे लेकर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी उस सिलसिले में भी के कविता से पूछताछ करनी है। ईडी के सूत्रों की माने तो कविता और केजरीवाल से एक ही जैसे सवाल अलग अलग बैठा कर किए जाएंगे। दिल्ली का 100 करोड़ का शराब घोटाला मुख्यमंत्री केजरीवाल और बीआरएस की नेता के कविता के गले की हड्डी बन चुका है। दिल्ली शराब नीति में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही हिरासत में हैं। इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहने वाले हैं, जहां उनसे जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली है और कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। वहीं बीआरएस नेता के कविता को 26 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि क्या आपकी रैली और सड़क पर प्रदर्शन केजरीवाल की मुसीबत कम कर पाएंगी या नहीं।